संथाल परगना की 3 सीटों में एकमात्र गोड्डा लोकसभा सीट पर लगातार 2 बार से बीजेपी का कब्जा रहा है। विपक्षियों के एकजुट नहीं होने के कारण बीजेपी इस सीट पर लीड लेते आ रही है, मगर इस बार जिस मजबूती के साथ जेवीएम जेएमएम कांग्रेस व अन्य दूसरे दलों के साथ महागठबंधन डटा है, बीजेपी को अपनी सीट बचाने के लिए नाको चने चबाना पड़ सकता है। बीजेपी ने अंतिम चरण के वोटिंग के लिए एक तरह से कहे तो अपने तमाम स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी अपनी वर्तमान सीट के साथ साथ 2 अन्य सीट दुमका व राजमहल पर भी जीत कैसे हासिल हो इसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इसी कड़ी में बुधवार को पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गोड्डा लोकसभा के देवघर में चुनावी सभा का आयोजन कर मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया, परंतु विपक्षी इसे व्यर्थ मान रहे हैं। जेवीएम जिला प्रवक्ता की माने तो गोड्डा की जनता अब बहकावे में आने वाले नहीं है, लोग इस बार स्थानीय मुद्दे को तरजीह देने वाले हैं। उन्होंने निवर्तमान सांसद निशिकांत दुबे पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने क्षेत्र की समस्या से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अडानी के हितों का ख्याल रखते हैं, जबकि यहाँ की जनता को निरंतर पानी बिजली जैसी मूलभूत समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं। जो मोदी का आज 5 साल कार्यकाल गुजरा और हमारे सांसद भाजपा के ही सांसद थे निशिकांत दुबे, हमें लगा नहीं यहाँ की जनता लगता है ठगे से महसूस कर रहे हैं। 10 साल में आज अगर छोटी सी बात करें हम, सांसद निधि से कहीं गोड्डा लोकसभा के अंतर्गत कहीं भी एक नाली या एक 50,000 का कोई रोड आज तक सांसद ने कहीं नहीं। दूसरी ओर बीजेपी नेता सांसद निशिकांत दुबे को विकास पुरुष बताते हुए उनके कार्यकाल में क्षेत्र में रेल सेवा शुरू होने के साथ साथ एम्स और एयरपोर्ट लाने की बात कहते हैं। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जिला महामंत्री के अनुसार सांसद ने क्षेत्र का चहुमुखी विकास किया है, विरोधियों को यदि यह सब नहीं दिखता है तो कोई क्या कर सकता है। उन्होंने महागठबंधन की एकजुटता से कोई प्रभाव नहीं पड़ने और पीएम की सभा के बाद जनता का रुझान बढ़ने के कारण संथाल की 3 सीटों पर जीत का दावा किया है। 365 दिन गोड्डा के लिए 24 घंटा विकास के लिए और यहाँ की जनता के लिए सोचते भी हैं और करते भी हैं। रही बात संथाल परगना की 3 सीट, तो निश्चित तौर पे 2 सीट पे परिवर्तन होगा, दुमका और राजमहल में वहाँ परिवर्तन होगा और वहाँ माननीय मोदी जी फिर से प्रचंड बहुमत के साथ संथाल परगना की 3 सीट पर, राजमहल, गोड्डा और दुमका सीट पर हम जीतेंगे। बहरहाल किसके दावे में कितना दम है इसका पता आगामी 23 मई को मतगणना के बाद पता चलेगा, लेकिन जनता जो इस लोकतंत्र में सर्वोपरि है वह अब नेताओं के बयानों पर नहीं चलने वाली, बल्कि उसे अपने सही जनप्रतिनिधि का चयन करना भली भांति आता है और वह 19 मई को दिख भी जाएगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ अरुण बनवाल, न्यूज 11, गोड्डा।